रुद्रप्रयाग में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से रूबरू हुई। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में जंगल राज है, हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोगों ने जम्मू कश्मीर में भारत में विलय होकर पुनः विचार करना शुरू कर दिया है। लोगों के लिए राजमार्ग बंद है और एसडीएम को पीटा जाता है, वहीं जेलों में कैदियों के साथ गलत बर्ताव भी किया जाता है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज लोगों पर इतना उत्पीड़न और अत्याचार हुआ है कि कश्मीर कांपते हैं और सोचने पर मजबूर है कि किस भारत के साथ विलय किया था। यहाँ जंगल का कानून चल रहा है, कल एक एसडीएम की पिटाई की गई आर्मी वालों से, उसके साथ जितने मुलाजिम थे उनकी भी पिटाई हुई। आजकल रास्ते हमारे बंद किए जाते हैं, जेलों में जो कैदी है उनको पीटा जाता है, एनकाउंटर में जो बॉडीज होती है उनको म्यूटिलेट किया जाता है, उनको जलाया जाता है, उसमें कोई केमिकल फेंकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम उस हिंदुस्तान के साथ हैं जिसके साथ शेख साहब ने और महाराजा हरि सिंह ने इल्हा किया था, जो हिंदू मुसलमान सिख सबका एक मुल्क था। आज लगता है कि कश्मीर के ऊपर इतने मजालिम किए जा रहे हैं, इतने जुल्म सितम किए जा रहे हैं कश्मीरियों के दबाने के लिए, कि आज कश्मीरी खौफ से कांप उठता है कि मैंने किस हिंदुस्तान के साथ हाथ। जम्मू कश्मीर से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।